5 kg का डंबल लेने के बाद हमें इस तरह से जो पकड़ लेना है, इस तरह से पकड़ने के बाद जो दोनों डंबल को जो साथ में जो है रिपीटेशन लगाना है, 10 से 12 रिपीटेशन जो लगाना है हमको, 3 बार इसी तरीके से हमको लगाना है। इस तरह से साथ साथ में जो है हम 5 kg के डंबल से हम जो करेंगे वर्कआउट। ये जो हमारा पहला वर्कआउट जो 5 kg के डंबल से है जो हुआ, इसके बाद जो हमारा ये वाला पोर्शन है इसको मजबूत करने के लिए हमें इस तरह से डंबल को करके, डंबल को खड़े करके इस तरह से हमें जो है लगाना होगा। इसके बाद दूसरे हाथ से भी हमें यही चीज़ जो है दूसरे हाथ पर भी करनी होगी। बारह बार जो करना है, 3 से 4 जो है सेट पे हमें इसको करना है। इसके बाद हमारा जो सबसे इफेक्टिव वर्कआउट है, इस तरह से हमें डंबल को जो है पकड़ लेना है, डंबल को पकड़ के इस तरह से घुमाकर इस तरह से नीचे ले जाना है, फिर इस तरह से घुमाकर फिर इस तरह से करके नीचे ले जाना है, ऐसे। इसके बाद दोस्तों हमें जो है 5 kg के डंबल से करने के बाद जो हम 7.5 या 10 kg का डंबल हम जो है लेंगे। 10 kg का डंबल लेने के बाद दोस्तों हमें उसी चीज़ को जो है इससे जो है करनी है, 12 रिपीटेशन जो है 3 से 4 सेट में हमें करना है। बिल्कुल ऐसे ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल एकदम सीधे खड़े होकर थोड़ा से झुककर जो अपने हाथ को इस तरह से करके दोनों साथ में जो है करना है। आपको जो है हर सेट के बाद जो है वेट बढ़ाना होगा, तो इसके बाद हम जो है दूसरा वर्कआउट जो है करते हैं। इस तरह से करने के फायदे ये हैं कि हम जो वेट बढ़ा रहे हैं, वेट बढ़ाने पर हमारी जो है मसल जो है और ग्रो होगी। इस तरह से हमें करना है, उसके बाद हमें डंबल को इस तरह से जो है घुमाना है। और आप चाहते हैं तो इससे और भी वजन लेकर आप जो है वह कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से आपके बॉडी में जो पंप आ जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करें दोस्तों।